नमस्कार सभी को, एक बार फिर से राम राम। लगातार हम आपको अयोध्या से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कवरेज दिखा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जगह जगह से लड्डू प्रसाद आ रहा है। वहां से तिरुपति से लड्डू प्रसाद आया, श्री महाकालेश्वर उज्जैन से गया, इसके अलावा बाकी संस्थाएं भी लड्डुओं का प्रसाद भेज रही हैं। लेकिन श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अगर शबरी के बेर ना आए तो भला कैसे बात बनेगी। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हाजिर है शबरी के बेर। ये छत्तीसगढ़ के शबरी नारायण मंदिर से भक्तों की एक टोली बकायदा शबरी के बेर लेकर पहुंची है श्री अयोध्या धाम। जी हाँ, ये वही बेर हैं जो शबरी ने अपने हाथों से खिलाए थे। यानी वही बेर का मतलब कि उसी जंगल के बेर हैं जो माता शबरी ने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान अपने हाथों से चख चख कर खिलाए थे। इसी वजह से उस क्षेत्र का नाम शबरी नारायण पड़ा और उसी क्षेत्र से अब ये बेर लेकर पहुंची है भक्तों की टोली, ताकि प्रभु श्री राम को जो 56 भोग लगेंगे उसमें शबरी बेर भी यहाँ पे उपस्थित रहें। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यही नहीं, इन बेरों के साथ खास रूप से वो पौधा भी अयोध्या के लिए लाया गया है जिसे अयोध्या में रोपा जाना है, जिसमें जिसके पत्तों में रखकर शबरी ने प्रभु को बेर दिए थे खाने के लिए। और खासियत भी जान लीजिए इस पेड़ की, खासियत ये है कि इसका पत्ता होता ही दोने के आकार का है। यानी आप उसे तोड़िए, उसमें कुछ चीज़ रखिए और उसको आगे दे दीजिए। दोना बनाने की जरूरत नहीं है और ऑलरेडी वो दोने के आकार में होता है। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे वो पत्ता भी। तो ये दोनों चीज़ें शबरी के बेर और जिन पत्तों में शबरी ने वो बेर अर्पित किए थे प्रभु को भोग के लिए, उसी पेड़ को भी यहाँ लाया गया है। हम लोग प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से और शिवरी नारायण से माता शबरी का बैर लेकर अयोध्या पहुँचे हैं। 17 सदस्यों की राम भक्तों की टीम हमारी यहाँ अयोध्या आई है। क्या खासियत है वो बता दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि प्रभु श्री राम जी और माता शबरी जी जिस समय प्रभु श्री राम जी शिवरी नारायण आए थे उस समय भगवान श्री राम जी को अपने जूठे और मीठे बैर माता शबरी ने श्री राम जी को खिलाया था, वो बैर लेकर और साथ में एक ऐसा वृक्ष हम लोग लेकर आए हैं जो पृथ्वी में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो शिवरी नारायण में ही मिलता है। वो उसका खासियत ये है कि वो अपने आप दोना बन जाता है और माता शबरी जी जब प्रभु श्री राम जी को बैर खिलाती थी तो उसी को दोना बनाकर उसमें रखकर और प्रभु श्री राम जी को देती थी। वो पौधा भी हम साथ लेके आए हैं।